हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी भावना नेत्सेट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता चल गया है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो चलिए नोटिफिकेशन में क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं यहां पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमारा एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग अभी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने भावना नेत्सेट एकेडमी के लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को जरूर दबाएंगे। अभी यहां बात आती है कि हम लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से फिल करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा वेब ब्राउजर, हम वेब ब्राउजर पे जाएंगे, ठीक है। यह हमारे पास देखिए पूरा का पूरा वेब ब्राउजर दिखाई दे रहा है। दैट इज व्हाट यहां पे क्या बोल रहा है कि जून नेट, यूजीसी नेट जून 2020, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग अभी किसी भी पर्टिकुलर लिंक को हम लोग क्लिक करेंगे जिससे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में पूरा का पूरा आ रहा है कि कभी से कब तक हमको फॉर्म भरना है। ए टू जेड डिटेल, जो भी डिटेल है सब दी हुई है, हम देख सकते हैं कि डिटेल कैसे दी हुई है। चलिए एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं जैसे कि हम लोगों को आइडिया आ जाए। क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 16th March to 16th April, और टाइम भी लिखा हुआ है अप टू 11:50 PM, ठीक है। देन लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड 17th April, और टाइमिंग लिखा है 11:50 PM। ये बातें मैं इसके लिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि हम लोग अंत मोमेंट तक फॉर्म नहीं भरते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि शायद डेट एक्सटेंड हो जाए, तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। आपको मैं इसके लिए बता रहा हूं जैसे आप लोग 100% फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दे। अभी मैं ऑन द स्पॉट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन क्या कह रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 1000 रुपीज, जनरल EWS OBC NCL के लिए 500, SC ST PWD के लिए 250, ठीक है। और प्रोसेसिंग GST सब कुछ लिखा हुआ है। करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन 18th April to 24th April 2020, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड 15th May 2020, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15th June 2020 to 20 June 2020। ये तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड है और अलग अलग डेट पे हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, मतलब अलग अलग डेट यानी हमारा जो एग्जाम है वो अलग अलग डेट्स पे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम है 180 minutes 3 hours, नो ब्रेक, जैसे लास्ट टाइम हमको कोई ब्रेक नहीं मिला था। टाइमिंग है दैट इज फर्स्ट शिफ्ट 9:30 और सेकेंड शिफ्ट 2:30, ठीक है। और अगर हम आगे देखेंगे तो क्या कहना चाहता है, देन उसके बाद क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। यहां पे क्या कह रहा है, सेंटर डेट एंड शिफ्ट कैंडिडेट एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड, और डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्स टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ जो रिजल्ट है वो दिया हुआ है 5th July 2020। तो ये पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मैं आपको एक दो मिनट दे रहा हूं जैसे कि हम लोग फिर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर सकें, तो फटाफट जल्दी से जल्दी बताएंगे। आपको अगर कोई डाउट है मैं वेट कर रहा हूं आपके रेस्पॉन्सेस का, फटाफट बताएंगे दोस्तों। हाय गणेश, आई फील डाउट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गणेश। गणेश कह रहे हैं मैंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है। नाउ आ जाते हैं हमारे जो एमसीक्यू सीरीज है उसके ऊपर। चलिए तो दैट इज व्हाट NTUGC नेट, और हमारा जो सेशन है वो है दैट इज 27। ऑलरेडी हमने 26 लेसन्स कंप्लीट कर दिए हैं, ये हमारा 27 नंबर लेसन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय सेम रहेगा 30 seconds का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड वेयर द अमाउंट ऑफ विनिंग फ्रॉम ईच लॉटरी क्रॉस पजल
कार्ड गेम एक्सेट्रा डज नॉट एक्सीड। बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखेंगे। नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड वेयर द अमाउंट आर विनिंग फ्रॉम ईच लॉटरी क्रॉस पजल कार्ड गेम एक्सेट्रा डज नॉट एक्सीड। तो ये आपके पास समय है, जल्दी से जल्दी आप आंसर दे देंगे कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जो लोग भी लाइव हैं, बाद में जो लोग ऑफलाइन रहेंगे वो लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए समय पूरा हो रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहे हैं नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड वेयर द अमाउंट आर विनिंग फ्रॉम ईच लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल कार्ड गेम डज नॉट एक्सीड। यानी कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा, कटेगा अगर वो अमाउंट कितना अमाउंट है उससे ज्यादा होना चाहिए, अगर उससे कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ऐसा कहां लिखा हुआ है? तो चलिए ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 194 बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है कि हमको वो अमाउंट बताना है जहां पे कि कम से कम आपको इतनी जो इनकम है वो इससे होनी चाहिए, क्रॉसवर्ड पजल से, गेम से। तो वो आंसर कितना है भाई? अभी तक मुझे जवाब नहीं आया है क्या होना चाहिए इसका आंसर। ओके बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। हाय एवरीवन, सी जवाब आ रहा है। गणेश कह रहे हैं No idea, but it is 30%. No, Ganesh, it is not 30%. Answer is 10,000. Answer क्या है यहाँ पे? 10,000. Hi, Navina. बहुत बढ़िया. A is wrong answer. और आप question number लिखी है, ठीक है? That is 10,000. यानी section 194 भी कहता है कि कम से कम आपका 10,000 income होना ही चाहिए, तो ही TDS कटेगा, नहीं तो TDS कटने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 194 बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। फॉर्म इशूड फॉर टीडीएस ऑन सैलरी इज डैश। फॉर्म इशूड ऑन टीडीएस ऑन सैलरी इज डैश। तो समय आपके पास 30 सेकंड्स का आ चुका है, तो फटाफट बताएंगे। हाय लोकेश, चलिए फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए। लोकेश कह रहे हैं 16A, देयर इज ए आंसर, मतलब आंसर ए आ रहा है इनका। फॉर्म इशूड फॉर टीडीएस ऑन सैलरी इज, ये उनको बहुत इजी होगा जो लोग ऑलरेडी जॉब करते होंगे, जहां पे जो उनका एम्प्लॉयर है उनको दे देता होगा सर्टिफिकेट। चलिए सेक्शन 203, सेक्शन 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्लियरली बोलता है कि अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप एम्प्लॉई हैं, आपका टीडीएस कटता है, तो जो गवर्नमेंट है वो आपको, यानी कि जो एम्प्लॉयर है आपको क्या देगा? फॉर्म नंबर 16A देगा। फॉर्म नंबर 16A, जो फॉर्म नंबर 16A है वो क्या है? एक सर्टिफिकेट है कि आपने कितना कितना टैक्स भरा है और कितना कितना सबमिट हो चुका है। और ये फॉर्म दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज ए एंड बी। सो दैट इज व्हाट फॉर्म इशूड फॉर टीडीएस ऑन सैलरी
form issued for TDS and salaries form 16 to 16A, that is answer kya ho jayega? B. So section 203 of the income tax act 1961. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर. फॉर्म 16 मिस्टेक हो गया, सॉरी नॉट 16A, इट इज 16. फॉर्म 16 नॉट 16A, मैंने बाय मिस्टेक 16A को क्लिक किया, इट्स रॉन्ग, इट्स 16, फॉर्म नंबर 16. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, बैंक शो प्रोविजन फॉर द इनकम टैक्स एक्ट अंडर या इनकम टैक्स अंडर द हेड. बैंक शो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडर द हेड. तो समय आपके पास है 30 सेकेंड्स का, जल्दी से जल्दी जवाब देंगे. क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या बी? ओके, बहुत बढ़िया, गणेश के जवाब बोल रहे हैं बी. वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कल भी हमारा लेसन 6:30-7:30 रहेगा, एमसीक्यू सीरीज का ही रहेगा, ठीक है, कॉमर्स और मैनेजमेंट का ही. चलिए समय जा रहा है, फटाफट देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे. क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए अभी सबसे पहले पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्या? अगर कभी ना कभी आपने बैंकिंग फाइनल अकाउंट सीखा होगा, एक सेकंड के लिए स्क्रीन बंद हो जाएगी, मैं चालू कर देता हूं अभी. जैसे आपको पता है बीच बीच में ये टेक्निकल प्रॉब्लम होता है. चलिए कुछ मैसेज आ रहे हैं. P2 का लो सर, आप इस टाइम पर P2 पेपर 2 का ही है ना, बैंकिंग फाइनल अकाउंट. बैंकिंग फाइनल अकाउंट जो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है बैलेंस शीट और एक पार्ट होता है इनकम स्टेटमेंट. एक होता है बैलेंस शीट और एक होता है इनकम स्टेटमेंट. तो अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट होता है, दैट इज व्हाट लायबिलिटीज, और जो बी पार्ट होता है वो होता है एसेट्स. और जब हम कंपनी फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो कंपनी फाइनल अकाउंट में हम लोग बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, लेकिन अगर हम लोग बैंकिंग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो बैंकिंग फाइनल अकाउंट में हम लोग बनाते हैं दैट इज व्हाट शेड्यूल्स. तो शेड्यूल नंबर जो 5 है वो है अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, और इसके अंदर आता है दैट इज व्हाट, इसके अंदर आता है इनकम टैक्स. तो वेरी वेरी गुड, कुछ लोगों का राइट आंसर है, आंसर इज बी. आंसर क्या होगा? अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस. वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत सारे लोगों का राइट आंसर है और वेरी गुड. मुझे लगता है आप लोगों को लेसन पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा. जो हमारे नए दोस्त है, ये आपका ही चैनल है, मैं तो एक छोटा सा यहाँ पे मान लीजिए एक मेरा किरदार है, आपकी वजह से ही मेरा वजूद है. तो मैं यही चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी भावना नेटसेट एकेडमी के लेक्चर्स को सब्सक्राइब करेंगे और जितने भी हमारे नए दोस्त हैं उनके साथ शेयर करेंगे, अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो. इससे जो हमारे नए दोस्त हैं उनको भी एडवांटेज होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए आंसर देख लेते हैं. अदर लायबिलिटीज एंड provisions. Question number 4. Which of the following is not a function of rural bank? Which of the following is not a function of rural bank? तो समय आपके पास 30 seconds का आ चुका है. Good evening, Kritika.
चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। फोर्थ का डी। ओके मोनिका कह रही है फोर्थ का डी, बहुत बढ़िया। गणेश भी कह रहे हैं फोर्थ का डी। चलिए नाउ अगर मैं रूरल बैंक की बात करूं तो रूरल बैंक बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस करती है, जैसे कि ग्रांट लोन्स, फाइनेंशियल एजेंट का काम करती है, वेव लोन करती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स करती है। लेकिन अगर इनमें से अगर हम देखेंगे तो सप्लाई ऑफ इनपुट टू फार्मर्स जो है वो कौन करता है, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस करते हैं या फिर फार्मर्स किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ये कलेक्ट करता है, बैंक का यहाँ पे ये रोल नहीं है। तो जिन लोगों का आंसर राइट है, जैसे कि कृतिका का राइट है, लोकेश का राइट है, गणेश का राइट है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे मोनिका का राइट है, बहुत बढ़िया। दैट इज व्हाट वी कैन से, आंसर इज डी, वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर जाते हैं फाइव के तरफ। विच बैंक हैड इट्स हेड ऑफिस, विच बैंक हैड इट्स ऑफिस इन अनारकली बाजार लाहौर व्हेन रजिस्टर्ड ऑन 19th मई 1894 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अनारकली बाजार, आज भी लाहौर में अनारकली बाजार है पाकिस्तान में। चलिए फटाफट बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सी। ओके मोनिका कह रही है सी, बहुत बढ़िया। खाली एक ही जवाब आया है मोनिका का। चलिए नाउ अगर मैं बात करूं जो बैंक लाहौर में हुआ करती थी, रजिस्टर्ड हुई थी 19th मई 1894, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। वेरी गुड मोनिका, वेरी वेरी गुड। अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो 19th मई 1894 में ये रजिस्टर्ड हुई थी लाहौर में, अनारकली बाजार में वहां पे थी। और अगर एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक की लगभग 115 ब्रांच जो है उनके 115 मिलियन कस्टमर्स हो चुके हैं और बैंक की 7037 ब्रांचेस हो चुकी हैं और बैंक की एटीएम है अप्रोक्सीमेटली 9000। तो पंजाब नेशनल बैंक एक बहुत बड़ी बैंक है, एक नेशनलाइज बैंक है जो रजिस्टर्ड कहां हुई थी, दैट इज लाहौर पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। तो आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक और मुझे जो आंसर आया था वो सिर्फ अगर हम बात करेंगे तो मेनली सेकंड लार्जेस्ट बैंक। वेरी गुड। चलिए तो मोनिका का राइट एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Differential rate of interest scheme was introduced in which year? Differential rate of interest scheme was introduced in which year? चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। लोकेश कह रहे हैं 1972। डी। हमारी फ्रेंड मोनिका कह रही है डी।
ओके चलिए, इसका आंसर मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर दे देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, कि मैं एक एजुकेटर हूं अकेडमी में, दैट इज डॉक्टर विनोद चांदवानी, और ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। और मैं एक एजुकेटर हूं, मेरे बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं अन अकेडमी में। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म कैसा है। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में आपको 3 प्रकार के लेसन्स मिलेंगे, फ्री लेसन्स, स्पेशल लेसन्स और प्लस लेसन्स। फ्री लेसन्स यानी कि 15-15 मिनट का एक लेसन है, आप किसी भी एक एजुकेटर का देख सकते हो। अगर आपको उस पर्टिकुलर एजुकेटर के जितने भी लेसन से देखना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे उसको। जैसे आप मेरा नाम सर्च करोगे डॉक्टर विनोद चांदवानी, तो मेरे बहुत सारे जो फ्री लेसन है वो अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद है स्पेशल लेसन। स्पेशल लेसन, एक एक लेसन 1 घंटे का होता है। जैसे कि कल मेरा लेसन हुआ था एमसीक्यू सीरीज का, नेक्स्ट लेसन जो मेरा है वो है एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच। आपने